नमस्कार मित्रों, एनआरसी द्वारा आसाम के गुवाहाटी में एक अंतिम सूची जारी कर दिया गया है। 3 करोड़ से अधिक लोगों के नामों में 19 लाख से अधिक लोगों का अता पता कोई नाम नहीं है, यानी कई लोग रोहिंग्या मुसलमान हमारे भारत देश में इल्लीगल रूप से छुपे हुए गुवाहाटी में, आसाम में। यह सिर्फ आसाम गुवाहाटी की बात नहीं, पूरे भारत देश में, बंगाल हो सकता है, केरला हो सकता है, तेलंगाना हो सकता है, ऐसे कई राज्यों में इल्लीगल रूप से कई घुसपैठिए आज भारत देश में छुपे हुए हैं, जो भारत देश की सुरक्षा के लिए, यानी भारत देश को खतरा है, भारत देश की सुरक्षा को खतरा है। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना में भी एनआरसी लागू होने की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना में जिस प्रकार से, जैसे बालापुर, कंचनबाग, ऐसे अनेकों क्षेत्र है जहां पर एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है, वो एरिया है, वहां पर 8,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान छुपे हुए है इल्लीगल रूप से। हाल ही में कई नेशनल मीडिया में भी इस इशू को उठाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ओवैसी के साथ साथ वहां के क्षेत्र के लोग, टीआरएस की सरकार के लोग 1,000 में उन लोगों का आधार कार्ड बनवा रही है, वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है, उनका पासपोर्ट भी इल्लीगल रूप से बन रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। मैं अमित शाह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना की सुरक्षा के लिए तेलंगाना में भी एनआरसी घटित करें, और जितने भी जो इल्लीगल रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान जो छुपे हुए तेलंगाना में, कोने कोने से इनको खदेड़ कर तेलंगाना से ही नहीं पूरे भारत देश से बाहर हका ले। मैं ये अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं।